हेलो, वेलकम टू एपी नॉलेज सेंटर। आज हूँ 18 जनवरी 2023। आज किसी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एवं से रिलेटेड किसी इनफॉरमेशन विषय आम डिस्कशन करवा। प्रतिदिन इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ। देखा आज फ्लैश टेस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड ऑटोबायोग्राफी ऑफ प्रिंस हैरी ड्यूक ऑफ ससेक्स ऑफ द ब्रिटिश रॉयल फैमिली। ब्रिटिश राजवंशर राजकुमार हेरिंकर रिसेंटली प्रकाश पाई आत्मजीवनीटर शीर्षक कौन अटे? यार आंसर आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। वीडियो एंड रे मु यार आंसर कहिबी। देखिबा आज प्रथम क्वेश्चन, ए शांति कुमारी हेज बीन अपॉइंटेड इज द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ व्हिच स्टेट। ए शांति कुमारी रिसेंटली क्यों राज्यर प्रथम महिला मुख्य शासन सचिव फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी भाव निजुक्त होती? यार आंसर होची ऑप्शन डी तेलंगाना। सो ए शांति कुमारी जी जन सीनियर आईएएस ऑफिसर अटंती ए शांति कुमारी से तेलंगानार प्रथम फीमेल चीफ सेक्रेटरी भाव निजुक्त होती। तो तेलंगानार पूर्वतन चीफ सेक्रेटरी समेश कुमार तांको परे सीनियर आईएएस ऑफिसर ए शांति कुमारी को तेलंगानार नूतन चीफ सेक्रेटरी भाव निजुक्त करा जायछि। तो तेलंगाना विषय टिके देखिदबा, यार कैपिटल होची हैदराबाद, यार चीफ मिनिस्टर होचंती के चंद्रशेखर राव एवं गवर्नर होचंती तमिलिसाई सौंदरराजन। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हेज रिसेंटली साइंड एमओयू विथ चैप्टर्स ऑफ 8 कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। एमानक मध्यरु केउ राज्य रिसेंटली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रो 8टी देश सहित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करचंती? यार आंसर होछि ऑप्शन ए मध्यप्रदेश। सो मध्यप्रदेश स्टेट टूरिज्म बोर्ड रिसेंटली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रो 8टी देश सहित मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करचंती। तो यही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गुड़िक फ्रांस मेट्रोपोल पेरिस मॉरीशस रियूनियन आइलैंड मार्टिनिक श्रीलंका जीओपीओआई इंटरनेशनल मलेशिया मॉरीशस सहित यही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गुड़िक साइन करा जायछि। यही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गुड़िक मध्यप्रदेश इंदौर ठारे आयोजित होइतिबा 17तम प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन ठारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग गुड़िक साइन करा जायछि। एवं मध्यप्रदेश टूरिज्म रो डेवलपमेंट एवं प्रमोशन पाई एही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द्वारा एही देश मानक सहित कोऑपरेशन करा जिवो। तो मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड यही एमओयू सब साइन करछंती। तो मध्यप्रदेश विषय टिके देखिदबा, यार कैपिटल होची भोपाल, यार चीफ मिनिस्टर होचंती शिवराज सिंह चौहान एवं गवर्नर होचंती मंगूभाई सिंह पटेल। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट 5G यूज केसेस। एमानक मध्यरु केउटी इंडियार प्रथम डिस्ट्रिक्ट भाबरे 5G यूज केसेस गुड़िक व्यवहार करचंती इम्प्लीमेंट करचंती? यार आंसर होची विदिशा। सो मध्यप्रदेश विदिशा इंडियार प्रथम डिस्ट्रिक्ट भाबरे 5G यूज केस गुड़िक इम्प्लीमेंट करचंती। तो विभिन्न स्टार्टअप मानक द्वारा प्रोवाइड करा जाइथिबा 5G यूज केसेस गुड़िक एठारे कार्यकारी करा जायछि। तो यही 5G यूज केसेस गुड़िक कार्यकारी करिया पाई विदिशा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एवं सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कोलाबरेट करछंती एक जॉइंट इनिशिएटिव नेछंती। तो एथरे जे सब 5G यूज केस गुड़िक व्यवहार इम्प्लीमेंट करा जायछि से गुड़िक हला सुपरस्यूटिकल्स एम्बीपोर्ड लॉजी एआई इजी इजीओफी टेक एक्सआर बीकेसी एग्रीगेटर द्वारा सौरभी एवं सी डॉट एभरी 5G यूज केस गुड़िक विभिन्न स्टार्टअप द्वारा प्रोवाइड करा जाइथिबा एही 5G यूज केस गुड़िक विदिशा डिस्ट्रिक्ट रे इम्प्लीमेंट करा जायछि।
देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन यूनियन कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इंसेंटिव स्कीम ऑफ हाउ मच आउटले फॉर प्रमोशन ऑफ रुपे डेबिट कार्ड एंड भीम यूपीआई। रुपे डेबिट कार्ड एवं भीम यूपीआई रो प्रमोशन पाई यूनियन कैबिनेट रिसेंटली केते परिमाण रो एक इंसेंटिव स्कीम को अनुमोदन करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी 2600 करोर रुपीज। सो यूनियन कैबिनेट रुपे डेबिट कार्ड तथा भीम यूपीआई रो प्रमोशन पाई 2600 कोटी टंका रो एक इंसेंटिव स्कीम को अनुमोदन करछंती। तो एही इंसेंटिव स्कीम टी रुपे डेबिट कार्ड एवं लो वैल्यू भीम यूपीआई ट्रांजैक्शन पर्सन टू मर्चेंट जो गुड़ी को ट्रांजैक्शन करा जाउची लोक माने जो माने मर्चेंट बा दुकान को जोटा ट्रांजैक्ट करछंती से सब को प्रमोट करिया पई एही इंसेंटिव स्कीम टी को अनुमोदन करा जायछि। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज रीच्ड व्हिच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ इक्विटी कैपिटल मार्केट ग्लोबली इन 2022। इक्विटी कैपिटल मार्केट अनुसार इंडिया प्रथम थर पाई 2022 रे विश्व रे केतेतम पोजीशन रे पहुंची पारछि। यार आंसर होछि ऑप्शन सी 5th। सो इक्विटी कैपिटल मार्केट अर्थात शेयर मार्केट क्षेत्र रे इंडिया प्रथम थर पाई 2022 रे 5th पोजीशन रे पहुंची छी। तो इंडिया आगो को इक्विटी कैपिटल मार्केट रे जो देश माने इंडिया अगर रही छंती से माने हेले चाइना यूएसए जर्मनी एवं कनाडा। तो कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रो एक रिपोर्ट अनुसार 2022 रे इंडिया रे इक्विटी कैपिटल मार्केट एक्टिविटी रहितला 16.4 बिलियन यूएस डॉलर। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली सोल्ड इट्स स्टेक वर्थ 125 मिलियन यूएस डॉलर इन पेटीएम। एमानक मधरु केऊ कंपनी रिसेंटली पेटीएम रे यहार 125 मिलियन यूएस डॉलर रो स्टेक बा शेयर को बिक्री कर देचंती। यहार आंसर होची ऑप्शन बी अलीबाबा। सो चाइना रो अलीबाबा ग्रुप पेटीएम रे यार 3.1% स्टेक बा शेयर को 125 मिलियन यूएस डॉलर रे बिक्री कर देछंती। प्रीवियसली 2022 सेप्टेम्बर शेष सुधा अलीबाबा पाखरे पेटीएम रो 6.26% रो स्टेक रहितला। तो सेथरु 3.1 स्टेक को 125 मिलियन यूएस डॉलर रे अलीबाबा बिक्री कर देछंती। तो दिटी कंपनी विषय रे कथा आसला तांको विषय टिके देखि देबा। पेटीएम यार फाउंडेशन हितला 2010 अगस्त रे यार हेडक्वार्टर छि उत्तर प्रदेश रो नोएडा ठारे एवं यार सीईओ छंती विजय शेखर शर्मा। से बडा अलीबाबा ग्रुप रो फाउंडेशन हितला 1999 जून 28 रे यार हेडक्वार्टर छि चाइना रो झेजियांग रो हांगजो ठारे। यार एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एवं सीईओ हेउछंती डैनियल झांग। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन व्हाट परसेंटेज इथेनॉल ब्लेंडिंग इन गैसोलीन विल बिगिन इन 1st अप्रैल ऑफ दिस ईयर। एही वर्ष 1 अप्रैल सुधा गैसोलीन रे केते परसेंट रो इथेनॉल ब्लेंडिंग बा मिक्सिंग को आरंभ करा जिवो। यार आंसर होची ऑप्शन बी 20%। तो एही वर्ष अप्रैल 1 रु गैसोलीन रे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग गैसोलीन रे 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग रो आरंभ करा जिवो। तो एहा विषय रे यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी घोषणा करछंती। तो से कहिछंती जे एही मिक्सिंग पई कार रो इंजन गुडी करे कोनोसी प्रकार रो चेंजेस आवश्यकता पडिवो नाही। तो एही अप्रैल 1 रु इथेनॉल जो रही गैसोलीन रही 20% इथेनॉल मिक्सिंग आरंभ कर दिया जिवो। तो 2025-26 सुधा इंडिया लक्ष्य रखी जे संपूर्ण सप्लाई पेट्रोल सप्लाई रे 20% रो इथेनॉल ब्लेंडिंग करा जिवो। तो एही 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बा मिक्सिंग एही वर्ष अप्रैल 1 रु आरंभ हे जिवो। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन व्हिच रेयर कॉमेट फ्रॉम आउटर सोलार सिस्टम हैज बीन रिसेंटली सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50,000 इयर्स।
पचास हजार वर्ष परे प्रथम थर पाई एमानक मध्यरु केउ प्रकार रो एक विरल धूमकेतुकु प्रथम थर पाई सौरमंडल रे देखा जाइछि। यार आंसर होछि ऑप्शन सी ग्रीन। एक विरल ग्रीन धूमकेतु रिसेंटली पचास हजार वर्ष परे सौरमंडल रे प्रथम थर पाई देखा जाइछि। एही धूमकेतुटिकु फॉर्मली सी बाय 2022 E3 बा ZTF आकार आइडेंटिफाई करा जाइछि। बट या को कॉमनली ग्रीन कमेट सबुज धूमकेतु कहा जाउछि। तो यह एक एवं दुई फेब्रुवरी बेल को पृथ्वीर सबुठारु निकटतर 26 मिलियन माइल दूरतार सबुठारु निकटतर हेथिबो। तो ग्रीन कमेट गुड़िक बहुत विरल किंतु रिसेंट टाइम रे एभली आउ एक धूमकेतु आइसन 2013 रे देखा जाइथिला। आइसन एवं एबेर ZTF एही उभय धूमकेतु उट क्लाउड रे ओरिजिनेट हेथिबा विश्वास करा जाउछि। एवं एही सी 2022 E3 बा ZTF धूमकेतुर कलर ग्रीन हेबा पछरे तार मॉलिक्युलर कंपोजिशन पछरे कारण रहिछि तार मॉलिक्युलर कंपोजिशन। तो एथिरे डाइकार्बन मॉलिक्युल केमिकल कंपाउंड जेउथरे दुईटी बॉन्डेड कार्बन एटम एवं सियानोजेन रहिछि उभय सूर्य किरण रे संपर्क करे आसपा परे एगुडी को ग्रीन कलर रे ग्लो करथांती। तेनु एही धूमकेतुटी ग्रीन कलर रहिछि। देखिबा हर परवर्ती क्वेश्चन। सोनिया गुआजाजरा हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ व्हिच कंट्री। सोनिया गुआजाजरा रिसेंटली केउ देशर नूतन भाव रे फॉर्मेशन करा जाइथिबा मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल रो प्रथम मिनिस्टर आकारे नियुक्त हेछंती। यार आंसर होची ऑप्शन बी ब्राजील। सो ब्राजील रो प्रेसिडेंट रिसेंटली सोनिया गुआजाजरांकु नूतन भाव रे फॉर्मेशन करा जाइथिबा गठन करा जाइथिबा मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल रो प्रथम मिनिस्टर भाव रे नियुक्त करछंती। तो ब्राजील रो जो माने स्वदेशी पूर्वरु बसवास करुथिबा कम्युनिटी रही तो तांकर राइट्स एवं तांकर डेवलपमेंट पाई मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजिनियस पीपल नामक एक नूतन मंत्रालय को गठन करा जाइछि। एवं यहार प्रथम मिनिस्टर भाव रे अपॉइंट हेछंती सोनिया गुआजाजरा। तो सोनिया गुआजाजरा जणे इंडिजिनियस एक्टिविस्ट एनवायरमेंटलिस्ट तथा पॉलिटिशियन अटंती। 2022 रे टाइम्स मैगजीन द्वारा वर्ल्ड रो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल मध्ये रे तांकर नाम रहितला। तो ब्राजिल कथा आसला ता विषय टिके देखिदबा। यार कैपिटल होची ब्राजिलिया। यार करेंसी होची रियाल एवं यार प्रेसिडेंट होचंती लुई इनाजियो लुरा द सिल्वा। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इज नेम्ड हुम अमंग द फॉलोइंग टू हेड द COP28 कॉन्फ्रेंस। COP28 कॉन्फ्रेंस रो नेतृत्व पाई मुख्य भावरे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एमानक मंदिरु कहा को नामित करछंती। यार आंसर होची ऑप्शन सी सुल्तान अल जबर। सो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स COP28 कॉन्फ्रेंस रो प्रेसिडेंट भावरे सुल्तान अल जबर को नामित करछंती। एहा सहित यूएई समा अल मजरुईं को यूथ क्लाइमेट चैंपियन एवं रजान अल मुबारक को यूएन क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियन आकारे नामित करछंती। किंतु रिसेंटली सुल्तान अल जबर को COP28 कॉन्फ्रेंस रो प्रेसिडेंट भाव रे नियुक्त करिबा डिसीजन को क्लाइमेट एक्टिविस्ट मानक द्वारा क्रिटिसिज्म सहिबाकु पड़ी। कारण अल जबेर होचंती यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रो मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड एडवांस टेक्नोलॉजी तथा अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी रो सीईओ जहाँ वर्ल्ड रो 12तम बड़ 12th लार्जेस्ट ऑयल कंपनी अटे। तो गोटे तैल कंपनी रो सीईओ को क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस रो मुख्य भाव रे प्रेसिडेंट भाव रे नियुक्त करिबा
एक विरोधाचरण भाया शुणा जा कारण जितेबले विश्व तैल रु तैल व्यवहार रु दूर को जीवाप चेष्टा करते गोटे तैल कंपानी सीईओ को यही क्लाइमेट चेंज कन्फरेन्स मुख्य भाव में निजुक्त करा जाए तो कॉप 28 जहाँ 2023 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कन्फरेन्स और कन्फरेन्स ऑफ द पार्टीज ऑफ द यूएन एफसीसीसी यह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आयोजित हो। देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन व्हिच बैंक हेज रिसेंटली लॉन्च्ड द ई बैंक गारंटी फैसिलिटी एमानको भितर क्यों बैंक रिसेंटली ई बैंक गारंटी फैसिलिटी उपलब्ध करछंती लॉन्च करछंती यार आंसर होची ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड सहित मिसी ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च करछंती तो यही कोलैबोरेशन द्वारा डिजिटल डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म को व्यवहार करी ई गारंटी प्रोसेस को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फैसिलिटेट करिवे यहा द्वारा बेनिफिशियरी माने अति शीघ्र ई बैंक गारंटी पाई परिवे तो वर्तमान बैंक रो जो गारंटी सब इश्यू करा जाउची ताहा फिजिकल अर्थात स्टाम्प एवं सिग्नेचर द्वारा करा जाउची तो यही ई बैंक गारंटी द्वारा स्टाम्प एवं ए जो स्टाम्प एवं वेट सिग्नेचर सिस्टम रही बदल रे ई स्टाम्पिंग एवं ई सिग्नेचर द्वारा इमीडिएटली ई गारंटी ई बैंक गारंटी इश्यू करा जाय पारिबो तो यही फैसिलिटी को लॉन्च करछंती स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो या विषय टिके देखि देबा एर फाउंडेशन हेतला 1955 जुलाई 1 रे एर हेडक्वार्टर छि महाराष्ट्र मुंबई ठारे एवं एर चेयरपर्सन होछंती दिनेश कुमार खरा। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड इज द न्यू सीईओ ऑफ द आईटी कंपनी कॉग्निजेंट आईटी कंपनी कॉग्निजेंट रो नूतन सीईओ भाबरे किए नियुक्त होइछंती यार आंसर होछि ऑप्शन डी रवि कुमार एस। सो रवि कुमार सिंगी सेटी रिसेंटली मल्टीनेशनल आईटी कंपनी कॉग्निजेंट नूतन सीईओ भाव में निजुक्त होती तो कॉग्निजेंट पूर्वतन सीईओ ब्रायन हम्फ्रीज को परे रवि कुमार सिंह सेठी कॉग्निजेंट नूतन सीईओ होती या पूर्व रवि कुमार इन्फोसिस प्रेसिडेंट एवं सीओओ भाव कार्य करुले तो कॉग्निजेंट से नूतन सीईओ होती तो कॉग्निजेंट यार फाउंडेशन होता 1994 जनवरी 26 हेडक्वार्टर रही यूएसए न्यूजर्सी टेनेक ठारे एवं यार नूतन सीईओ हेले वर्तमान रवि कुमार सिंगिसेटी। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ द रिसेंटली रिलीज्ड बुक टाइटल्ड रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम रिसेंटली प्रकाश पाई बुक रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम रो लेखक ऑथर किए अटंती यार आंसर होची ऑप्शन सी संजीव सन्याल। सो संजीव सन्याल को लिखित गोटे बुक रिवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम रिसेंटली प्रकाश पाई बुक टी रिसेंटली न्यू दिल्ली ठारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिलीज कर तो बुक रे लिखा जाई जे भारतर स्वाधीनता संग्राम मुख्यतः नॉन वायलेंट मूवमेंट अहिंसा आंदोलन विषय देखा जाई किंतु यह पचरे जो माने रेजिस्टेंस आर्म रेजिस्टेंस करथिले तांकर मध्य स्वाधीनता प्रति कौन कौन सब अवदान रही से विषय यह बुक रे लिखा जाई तो यह जी अथर अटंती संजीव सन्याल से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रो एक मेंबर अटंती। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन शरद यादव हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज हेड प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ व्हिच कमिशन शरद यादव जहाँ को रिसेंटली देहांत होइछि से एमानक मध्यरु क्यों कमिशन रो रिकमेंडेशन को कार्यकारी करिवा क्षेत्र रे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले यार आंसर होछि ऑप्शन बी मंडल कमिशन। तो शरद पॉलिटिशियन शरद यादव
रिसेंटली 75 वर्ष बयस देहांत हो तो शरद यादव विषय टी देखिद तो शरद यादव जड़े राष्ट्रीय जनता दल पॉलिटिशियन थिले एवं जनता दल यूनाइटेड पार्टी पूर्वतन मुख्य थिले से लोकसभा को 7 थर निर्वाचित होती राज्यसभा को 3 थर राज्यसभा को 3 थर एवं लोकसभा को 7 थर से निर्वाचित होती से प्राइम मिनिस्टर पूर्वतन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी एवं वीपी सिंह को गवर्नमेंट रे समय रे विभिन्न मंत्रालय यूनियन मिनिस्टर भाव में कार्य करछंती तो मंडल कमिशन जहाँ को कहा जाउची सोशियली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कमिशन एससीबीसी कमिशन रो रेकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करिया रे कार्यकारी करिया दिगरे से प्रमुख अन्यान्य नेता मानक सहित प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। देखिबा आरो परवर्ती क्वेश्चन नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2023 वाज ऑब्जर्व ड्यूरिंग व्हिच पीरियड नेशनल रोड सेफ्टी वीक 2023 क्यों समय मध्ये पालन करा जायतिला यार आंसर होची ऑप्शन सी 11th to 17th जनवरी सो 11 रु 17 जनवरी पर्यंत नेशनल रोड सेफ्टी वीक पालन करा जायतिला तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज द्वारा एही रोड सेफ्टी वीक टी पालन करा जायतिला तो समस्तंक पई सेफ रोड किभड़ी करा जाय परिबो सेति पई नेशनल रोड सेफ्टी वीक टी को पालन करा जायतिला सो एगुडी को रहिला आज रो डिस्कशन करा जायतिबा क्वेश्चंस रो आंसर्स एवं आज रो फ्लैश टेस्ट रो क्वेश्चन रो आंसर होची ऑप्शन सी सो ब्रिटिश रॉयल फैमिली रो प्रिंस हैरिंग को आत्मजीवनी रिसेंटली प्रकाश पाई जहाँ शीर्षक टाइटल होची स्पेयर सो जदि आज वीडियोटी आपंक भल लगी तक लाइक और शेयर करूँ प्रतिदिन एभरी इम्पोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ आज करेन्ट अफेयर PDF आपण मैंने गूगल ड्राइव एवं टेलीग्राम रु डाउनलोड करें यार लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।